मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जनपद के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सड़क मार्ग से टनकपुर पहुंचे। सीएम ने टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम हॉल में आयोजित जनसभा व जन मिलन कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें सीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनता से मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि दो दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा चंपावत पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीते रोज 1 अरब से भी ज्यादा की विकास योजनाओं लोकार्पण व शिलान्यास किया है, जिसमें टनकपुर तहसील क्षेत्र के भी कई विकास कार्य हैं। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत जिले को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की कवायद उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। साथ ही उनके दौरे के दौरान कई लोगों ने विकास व समस्या संबंधित मांग पत्र उनके सामने रखे हैं, जिनको वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। साथ ही उन पर प्रमुखता के साथ सरकार द्वारा कार्य किया जाएगा। सीएम ने इस दौरान टनकपुर में लगी शारदा नदी व बनबसा की हड्डी नदी में बाढ़ राहत कार्यों को प्रमुखता के साथ शुरू करवाए जाने की बात कही। हमारे इस क्षेत्र का सवाल है, इस क्षेत्र में यहाँ पर मां शारदा का हमारे जीत से निकलती है, मां पूर्णागिरी का ये धाम है, आगे चलते हैं तो बहुत सारे अंत में सीएम ने जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया कि चंपावत विधानसभा की जनता ने उपचुनाव में उन पर विश्वास जता उन्हें प्रचंड जीत से नवाजा, जिसके चलते उन्हें चंपावत उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। वहीं सीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी पूर्ण समर्थन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि पीएम मोदी देश को 2024 के साथ साथ अगले 30-40 सालों तक देश का नेतृत्व मिल सके, ताकि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से निजामुद्दीन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।